जय हिंद पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों, ऑफिशियली अपडेट निकल के आ गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर दिया है ओआरओपी के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। 7 नवंबर का ये ट्वीट है, मतलब कल का। साथ ही में इस वीडियो में कोरिजेंड्रम पीपीओ, दिवाली बोनस और ओआरओपी पे जो विसंगतियां, ओआरओपी पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओआरओपी 3 पे भी वही हुआ जो ओआरओपी 2 पे हुआ और 1 पे हुआ। मतलब कि जो जितना एरर बनना चाहिए था भूतपूर्व सैनिकों का, उतना एरर नहीं बना। मतलब फिर से मिला मूंगफली का छिलका, और किसको मिली मलाई। इसके ऊपर सटीक जानकारी निकल के आ गई है। कई न्यूज चैनलों ने, नेशनल मीडिया ने और ट्विटर हैंडल पे इसे साझा किया है। मैं सारी जानकारी बताऊंगा, कितना करोड़ वांटेड किया गया था, कितना भूतपूर्व सैनिकों को फायदा हुआ, किस रैंक को फायदा हुआ, ये सारा कुछ देखेंगे जानेंगे। ब्रेकअप डिटेल भी निकल के आ गया है ओआरओपी 3 का ब्रेकअप डिटेल भी निकल के आया, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में सुर्खियां क्या क्या रहने वाली है, जिससे आपको मैं बता देता हूं। कोरिजेंड्रम पीपीओ के बारे में बात करेंगे, आप लोग का दिवाली बोनस के ऊपर बात करेंगे, ओआरओपी 3 का एरियर के ऊपर बात करेंगे, फिर आप लोग का पेंशन अक्टूबर का, साथ ही में आप लोग का DA 53% के ऊपर, आप लोग के CSG से रिलेटेड MSP 15,500, EPPO, और आप लोग का बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों का सबसे मेन लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट से पहले फिलअप कर लीजिए। ध्यान से सुनेंगे, फिलअप कर लीजिए ड्यू डेट से पहले, नहीं तो अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये बात समझ गए आप लोग। ओआरओपी पर हो गया है 10 साल पूरा, मतलब कि यही दिन था 7 नवंबर 2014 जब भूतपूर्व सैनिकों को मिला था सौगात ओआरओपी 3 का वन रैंक वन पेंशन का। अब भूतपूर्व सैनिकों की एक उम्मीद थी, उनकी एक उम्मीद थी, उन्होंने सोचा कि अब हमको अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन अभी तक हमारे भूतपूर्व सैनिक संघर्ष ही कर रहे हैं, और संघर्ष करते करते उन्होंने कई भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और वो बता दें आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग कितना सहमत है देखिए यहाँ पे। ऑन दिस डे वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी वॉज इम्प्लीमेंटेड, मतलब 7 नवंबर 2014 को ही मतलब हुआ था इम्प्लीमेंटेड। दिस वॉज ट्रिब्यूट टू द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर वेटनर्स, जो हमारे वेटनर्स है, जो हमारे पूर्व सैनिक है, जो हमारे पेंशन धारक है, जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने काफ़ी बलिदान भी अपना दिया है, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, जिनके लिए ओआरओपी आया। देखिए तो ये जो था एक्स सर्विसमैन पर्सन हु डेडिकेटेड टू देयर लाइफ प्रोटेक्टिंग अवर नेशन, जिन्होंने हमारे नेशन को प्रोटेक्ट किया। दिस डिसीजन टू इम्प्लीमेंट ओआरओपी वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स एड्रेसिंग इज दिस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। एक बहुत ही बड़ी ये जो डिमांड थी इसको पूरा की हमारी सरकार ने, मतलब बीजेपी सरकार ने, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ओआरओपी, और इससे बहुत भूतपूर्व सैनिकों को फायदा मिला। क्या वाकई में फायदा मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पहली बार